इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पर्यटक नगरी मसूरी में हुआ सीजन का तीसरा हिमपात। पर्यटकों के आने की बड़ी संभावना है, तो वहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिले। पर्यटक कई दिनों से कर रहे थे बर्फबारी का इंतजार। आपको बता दें, पर्यटक नगरी मसूरी में सीजन का तीसरा हिमपात होने से जहां एक ओर पर्यटकों के आने की संभावनाएं बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारियों में भी खुशी देखने को मिल रही है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक नगरी मसूरी में काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार होने के कारण कल और अधिक संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर रुख करेंगे, जिससे यहां के व्यापार में वृद्धि होगी। वहीं मसूरी की ऊंचाई वाले क्षेत्र लाल टिब्बा और चार दुकान में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे हैं और साथ ही बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्राची है, मैं यहाँ मसूरी से ही रहने वाली हूँ, लांडौर से। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी बर्फ देखने को मिली है, तो हम यहाँ पे लाल टिब्बा आए हैं एंजॉय करने के लिए। तो लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि यहाँ पे आइए, यहाँ का मज़ा लीजिए, बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई है। अमेजिंग सर, एज एक्सपेक्टेड इसी चीज़ के लिए आए थे, दिल्ली से बर्फबारी की देखने, स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज़ मिली है, उसका पूरा पूरा फन ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अमेजिंग वेदर है, बहुत अच्छा एटमोसफेयर है, बहुत मज़ा आ रहा है इसी। तो डेफिनेटली एक सपने की तरह ही है ये चीज़, मतलब कभी लाइफ टाइम में किसी को बहुत मुश्किल से ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड ये हमारे, ये भाभी मेरी फर्स्ट टाइम देख रही हैं और ये तो बहुत ज़्यादा क्रेजी एक्साइटेड हुए पड़े हैं, ये भी बहुत एक्साइटेड हुए पड़े हैं, फैमिली मेंबर्स बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मसूरी? बहुत अच्छा लग रहा है, हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। हमें और कुछ नहीं चाहिए था, हमारे बेटे को भी सिर्फ स्नो ही देखनी थी, तो ये तो वंडर्स हो गया।